मामा, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। थक गया मेरा बेटा। जाओ तुम जल्दी से नहा धो लो, कपड़े बदल लो, राली खाना लाती हूँ। मामा, मैंने एक बाबा को देखा। उनके सफेद बाल, हाथ में लाठी, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। वो ऐसे क्यों हो गए? अल्लाह ताला का इरादा है, उसकी मर्जी। काले बालों में सफेदी आ जाती है, वक्त के साथ साथ ताकत भी कम होती जाती है। अल्लाह तबारक ताला चाहते हैं कि उसका बंदा उसके सामने छुप जाए। चलो शाबाश, जल्दी से उठ जाओ, जाके हाथ धो लो, तो तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। शाबाश, उठो। मुंह बंद करके चबाते हैं, शाबाश। मम्मा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? हाँ, इंसान की जिंदगी के तीन जमाने होते हैं। पहला बचपन, जिसमें तुम हो, दूसरा जवानी, जिसमें मैं हूँ, और तीसरा बुढ़ापा होता है, जैसा कि तुमने बाबा जी को देखा। उसके बाद वापसी का सफर अल्लाह पाक की तरफ। मतलब मम्मा? मतलब मौत, यानी इंतकाल। मम्मा, क्या मैं भी जवान होकर बूढ़ा हो जाऊंगा? हाँ, मैं भी मर जाऊंगा? अल्लाह ना करे। चलो अब खामोश होकर खाना खाओ। खाना अच्छा है? ये सब मर जाएंगे। हाँ बेटा, हर जानदार चीज को मौत का तो मजा चखना है। मम्मा, सबको मरना है तो पैदा ही क्यों किया? अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैंने इंसान को इसलिए तख्लीक किया कि वो मुझे तलाश करे, मेरा हुक्म माने। कैसा हुक्म? अल्लाह हुक्म देते हैं कि नेकी करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो। नेकी करना, रोजा रखना, नमाज पढ़ना, क्या सिर्फ यही नेकी है? नहीं बेटा, नेकियां तो बहुत सारी, जैसे कि हुलूल अबाद, बंदों का हक देना। जैसे कि नेकी करना, इंसानों की मदद करना, इंसान का एहतराम करना, और सबसे बड़ी बात कुरान शरीफ पढ़ना और उस पर अमल करना। मम्मा, कुरान शरीफ तो बहुत मोटी किताब है, उस पर किसी ने अमल किया है? हाँ, क्यों नहीं, हमारे प्यारे प्यारे नबी करीम। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम लोगों के लिए अपने नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। तुम्हें पता है हमारे नबी चलता फिरता कुरान थे? मम्मा, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बातें बताएं, मैं उन पे अमल करूंगा। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बहुत सारी नेकियां हैं, बहुत सारी बातें हैं। एक बात मैं तुम्हें बताऊं, हमारे नबी करीम को झूठ से शदीद नफरत थी। मम्मा, आज के बाद से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। शाबाश। माँ, बेटे ने क्या कव्वे खाए हुए? ये लाइट बंद करो, नींद आ रही है। गुड नाइट मम्मा। गुड्डू, फिर से तुम भूल गए? ओ सॉरी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शाबाश। वाह वाह, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, जी 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 सर। हाँ सर, मैं मुल्तान में ही हूँ। बस सर, वो अभी अभी दफनाया। जी सर, कब्रिस्तान में हूँ सर। जो अल्लाह की मर्जी। जी सर, सर 3 दिन तो लग जाएंगे। आमीन आमीन आमीन। जी सर, अल्लाह हाफिज। क्या करता, ऑफिस में काम कर करके थक गया था, इसके सिवा कोई चारा नहीं था।
स्कूल का काम करो। सलाम अलैकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम। यहाँ कौन से लोग नेक पारसा हैं? कोशिश तो की जा सकती है। तो कर लो तुम कोशिश, और अगर कामयाबी मिले तो मुझे भी बता दीजिएगा। बहरहाल आज के बाद आप गुड्डू के सामने जरा एहतियात से बात कीजिएगा। एक तुमने ये इंस्पेक्टर मेरे ऊपर बिठा दिया है, हर तुम्हारी अच्छी बताई हुई बात मुझ में तलाश करता है वो। क्योंकि माँ बाप और उस्ताद को बच्चों के लिए नमूना बनना चाहिए, वो नेकी करेंगे तो बच्चे नेकी सीखेंगे। एक बात बताएं मौलवी साहब। पूछो बेटा। वकीलों को पैसे देना चाहिए? हाँ बेटा, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करना सवाब है। अच्छा। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जरूरतमंदों के साथ नरमी से पेश आना चाहिए और उनको झड़कना नहीं चाहिए। ठीक, मैं समझ गया। मौलवी साहब, आप टॉम एंड जेरी देखते हैं? वो क्या होता है? अच्छा छोड़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बातें बताएं। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। क्या मतलब मौलवी साहब? और हमारे रसूल मकबूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के ऊपर खास शफकत फरमाया करते थे। रमजान का महीना बड़ा बरकतों का है, ज़कात खैरात दे दे बाबा। जा भाई जा, माफ कर, चल कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। और चल जाना, कमा नहीं सकता। ये लो बाबा, मेरे बाबा को माफ कर देना। सलामत रहे बच्चा, अल्लाह साईं तेरी उम्र दराज करे। इधर आओ। पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? पापा जो आप पॉकेट मनी देते। इसको क्यों दिए? पापा मौलवी साहब कहते हैं जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करनी चाहिए, उन्हें छिड़कना नहीं चाहिए। वाह, मौलवी साहब ने एक नया काम शुरू कर दिया है। मैं जो ये सब कुछ कमा के लाता हूँ वो तुम इन पे लुटा दो। हैं? चल अंदर। मौलवी साहब, छे 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 छे, सिक्स, एक छे और लगा दे बस। आहा, एक और लगा दे। ये ओए ओए ओए, ओ बे यार, गया ये, आना खराब कर दिया इसने पूरे मैच का। गुड्डू जाओ देखो दरवाजे पे कौन है। अबे क्या कर दिया, पूरा मैच हिला दिया। सुनो, पहले नाम पूछना, और अगर मेरा पूछे ना कि पापा हैं, कह देना नहीं है। जाओ। अबे क्या कर दिया यार इसने मैच का पूरा। गल, पापा कह रहे हैं कि वो घर पे नहीं है, आप अपना नाम बता दे। बेटा मेरा नाम जमील है, पापा से कहो एक मिनट मेरी बात सुन ले, मैं ऑफिस में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ये अच्छा अंकल। पापा जमील अंकल आए हैं, वो कह रहे हैं बाहर आकर मेरी बात सुन ले, वो ऑफिस में किसी को नहीं बताएंगे। कौन आया? जमील अंकल। और तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि पापा कह रहे हैं मैं घर पर नहीं हूँ। ओ मरवा दिया, वो ऑफिस में मेरी शिकायत कर देगा। क्या कहा था मैंने? मैंने कहा था कहना कि पापा घर पे नहीं है। हाँ यही कहा था ना मैंने। अरीशा, अरीशा जी, क्या हो गया? संभालो अपने इस सादिक को, जिंदगी अजीरन करके रख दी है इसने। जमील, जमील।
मम्मा सच बोलने से अलग अलग खुश होते हैं ना? हाँ बेटा। तो पापा नाराज क्यों हो रहा है? बस बस मेरा बच्चा, वालेकुम सलाम। ये तुम्हारी शर्ट को क्या हुआ? मम्मा अली ने मेरे ऊपर रिंग छिड़की, मुझे भी गुस्सा आया, मैंने भी उसके कपड़ों पर रिंग छिड़क दी। वैसे बड़ा मजा आया मम्मा। ये तुमने बहुत बुरा किया, जाओ मैं तुमसे नहीं बात करती। सुनिए मम्मा, आपको पता है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना एक औरत कूड़ा फेंकती थी और आपके कपड़े खराब हो जाते थे। अब से कभी ऐसी हरकत नहीं करनी, ठीक है वादा? जाओ जाके नहा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। मौलवी साहब वो कूड़ा क्यों फेंकती थी? बेटा वो औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग से नाराज थी। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि अचानक उस औरत ने कूड़ा फेंकना बंद कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशवीश हुई, आप उसके घर तशरीफ ले गए, वहां देखा कि वो औरत बहुत सख्त बीमार है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें डांटा होगा? नहीं बेटा, हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के लिए रहमत थे और उन्होंने उसको माफ कर दिया और उसका इलाज कराया। अच्छा फिर वो औरत ठीक हो गई? ना सिर्फ वो ठीक हो गई बल्कि कलमा पढ़कर ईमान ले आई। तो बेटा हमें भी लोगों की गलतियों को और कोताहियों को माफ करना है और अपनी बर्दाश्त को बढ़ाना है ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हो। मौलवी साहब आप भी दूसरों को माफ कर देते हैं ना? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानते हैं ना? हाँ बेटा, मैं भी लोगों की गलतियों को माफ कर देता हूँ और बर्दाश्त करता हूँ। अच्छा तो रुके, मैं अभी आया। मजग मम्मा जग। जग चाहिए? गुड्डू तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें क्यों चाहिए पानी का जग? साइंस की टीचर कहती है कि तजर्बा करने से इंसान सीखता है। तजुर्बा? कैसा तजुर्बा? क्या शिव क्या हुआ? नलका तो सही तरह से बंद किया करो, कहाँ जा रहे हो? अरे गुड्डू ये क्या कर दिया तुमने? अहमक शैतान, सारे कपड़े गीले कर दिए, नापाक कर दिए। माफ कर दे मौलवी साहब। मौलवी साहब बच्चे से गलती हो गई, इसको माफ कर दे। गलती? शैतानी को गलती कहती हैं आप? कल से मैं इसको पढ़ाने नहीं आऊंगा, आप दूसरा बंदोबस्त कर लें। शैतान कहीं का कुछ देर पहले तो आपने कहा था कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानते हैं, दूसरों को माफ कर देते हैं, बर्दाश्त करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर औरत कूड़ा फेंकती थी वो तो नहीं आते थे ऐसे गुस्से से। मैंने तो आप पर पाक साफ पानी फेंका है, आप गुस्सा कर रहे हैं। अरे मौलवी साहब ठहरिए तो। मम्मा आप ठीक कहती हैं, उस्ताद का दर्जा बाप की तरह होता है, मौलवी साहब भी पापा की तरह है। इस कहानी का एक अंजाम अभी आपने देखा। मोमिनो ऐसी बातें क्यों कहा करते हो जो किया नहीं करते? अगर इस आयत खुदावंदी पर अमल किया जाता तो इस कहानी का अंजाम कुछ यूं भी हो सकता था। मैं जानता हूं गुड्डू बेटा, यह आपने मेरा सब्र आजमाने के लिए ऐसा किया है, मगर देख ले मुझे गुस्सा नहीं आया। अल्लाह ताला तुम्हें और मुझे
दोनों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप बहुत अच्छे हैं मौलवी साहब। मगर बेटा, हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के वाकयात से मुस्बत अमल सीखना है, न कि उसको दोहराना। ठीक है मौलवी साहब। मौलवी साहब, आप गुड्डू को माफ़ कर दें। माफ़ी कैसी भाई, हम इस उम्र में पता नहीं कितने शरारती थे। मैं तो गुड्डू का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे सब्र और बर्दाश्त को जांचने का मौका दिया। गुड्डू, मुझे माफ कर दो। आई लव होली प्रॉफिट।